नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके की एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के प्राणी इस जगत में पाए जाते हैं वे किस अंग से श्वसन करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य फेफड़े से श्वसन करता है, ऐसे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जो विभिन्न अंगों से अर्थात इसके अलग अंगों से श्वसन करते हैं, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जीके की वीडियो कराता हूँ, थोड़े ही समय में बहुत सारे आपको मटेरियल दे देता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप किसी प्रकार के जीएस की और तैयारी करना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर लिखा रहेगा शॉर्ट वीडियो लिस्ट, ब्रैकेट में जीके लिखे रहेगा, उसकी वीडियो रहेगी, जाकर देखिए। बहुत सारे वहाँ पर वीडियो हैं, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, वहाँ से आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, पहला है मनुष्य। तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए फेफड़ा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे कि मनुष्य किस अंग से श्वसन करता है तो फेफड़े से करता है, और जब यह श्वसन करता है तो O2 गैस लेता है अर्थात ऑक्सीजन गैस लेता है और निकालता है CO2। तो मनुष्य फेफड़े से श्वसन करता है। तो आगे चलते हैं, अगला है पक्षी। तो पक्षी किससे श्वसन करते हैं तो फेफड़े से करते हैं, जो पक्षी होते हैं ये फेफड़े से श्वसन करते हैं। अगर मनुष्य पूछे किससे श्वसन करता है तो फेफड़ा, और पक्षी भी फेफड़े से ही करता है। अगला है मछली, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते रहे हैं कि जो मछली होती है किससे किस अंग से श्वसन करती है, तो क्लोम से। क्लोम मतलब होता है गलफड़ा, तो क्लोम से यह श्वसन करती है। तो मैंने आपको बताया मनुष्य फेफड़े से करता है, पक्षी फेफड़े से करती है, और जो मछली होती हैं ये भी क्लोम से अर्थात गलफड़ों से श्वास लेती हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं प्रमुख प्राणियों को श्वसन अंग। अगले वीडियो में दोस्तों हम श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं उसको लेकर आएंगे, तो आकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं आपको नए टॉपिक डालूंगा आपके मोबाइल पर उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो जाकर पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है छिपकली। तो छिपकली किस अंग से श्वसन करती है तो फेफड़े से। मनुष्य की भांति, पक्षियों की भांति छिपकली भी फेफड़े से श्वसन करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं किसी भी प्राणी के बारे में दे दिया कि छिपकली किस श्वसन करती है, या फिर जो मैंने आपको पीछे बताया मछली, पक्षी, मनुष्य, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आपको इसको वीडियो को एक बार लिखना है स्वयं, उसके बाद याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला है झींगा। तो ये किससे श्वसन करता है तो ये क्लोम से करता है। क्लोम मैंने आपको पीछे बताया कि क्लोम अर्थात गलफड़े से। तो ये जो है मछलियों की भांति क्लोम से श्वसन करते हैं, कौन, तो झींगा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए, इसलिए आपको इसको याद करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट आपके क्लियर ना हुए हो तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला है सीप। जो सीप होता है वो किससे श्वसन करता है, सीप जो होती है वो क्लोम अर्थात गलफड़े से ये भी श्वसन करती है। आपको तीन बातें मैंने यहाँ पर बताई कि जो मछलियाँ होती हैं वो भी क्लोम से श्वसन करती हैं, झींगा भी क्लोम से श्वसन करता है, और जो सीप होता है वो भी क्लोम से श्वसन करता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, क्लोम से आपको तीन मैच हुए, मछली, झींगा, सीप, और फेफड़े की बात करें तो मनुष्य, पक्षी और छिपकली, तो मैच हो रहे हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको दो तीन बार इसको पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला है केंचुआ। तो केंचुआ किससे श्वसन करता है तो केंचुआ जो है वो त्वचा से श्वसन करता है। देखिए, केंचुआ से कई बार क्वेश्चन बनते रहे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है केंचुआ। केंचुआ किससे श्वसन करता है तो त्वचा से करता है। अगला है मक्खी। मक्खी किससे श्वसन करती है तो मक्खी जो है वो श्वास नली से श्वसन करती है। तो जो मक्खी होती है वो श्वास नली से श्वसन करती है। और नेक्स्ट और ये आखिरी है आज का कि टिड्डा। जो टिड्डा होता है वो किससे श्वसन करता है तो टिड्डा जो है वो श्वास नली से श्वसन करता है। तो केंचुआ त्वचा से, मक्खी श्वास नली से, और टिड्डा भी श्वास नली से ही श्वसन करता है। इम्पॉर्टेंट।
दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि एक बड़ा वीडियो लाया जाए जिससे आप लोग काफ़ी देर तक फंसे रहें उसमें बात किया जाए। दोस्तों छोटा वीडियो हो और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उसमें आपको दिए जाएँ, इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, शॉर्ट वीडियो लिस्ट, ब्रैकेट में आपको जीके रहेगा, जाकर उसको लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाकर बहुत सारे वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट है, जाकर देखिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपकी कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, आपको उस प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक।